अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू विल बी फाइन। पढ़ाई कर रहे हो? दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो? ओके बेटा, मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अगर आप डेली गो थ्रू करोगे तो आप मेरे साथ चल पाओगे। अगर आपने एक दो लेक्चर भी मिस कर दिए तो आपको फिर अंडरस्टैंड करना आगे टफ हो जाएगा, ठीक? क्योंकि जो सारे लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूटी हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स के, ठीक है जी? जितने भी लेक्चर्स हैं, सपोज आज का लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर अंडरस्टैंड होगा तो आज का लेक्चर अंडरस्टैंड होगा। तो प्लीज़ ओके, एवरी डे गो थ्रू द लेक्चर, ओके? एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ एज ईजी वे एज आई कैन। तो इफ स्टिल यू गेट सम प्रॉब्लम तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन डेफिनेटली आई कैन आंसर यू, ठीक है जी? सो लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम आपको पता ही है, हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट कल्चर्स में हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, दैट वी डिस्कसिंग लास्ट टाइम। उसी का एक छोटा सा पार्ट रह गया, थ्री और फोर लाइन्स। उसमें जो कहना चाह रहा है, जो मैं लिख दिया राइट नाउ, ऑलरेडी आई हैव रिटन, ताकि मैं टाइम को सेव कर लूं। सो नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको हमने आज गो थ्रू करना है कि हम इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमें दूसरे कल्चर को सीखने की आजकल क्यों ज़रूरत है। पहले वक्तों में था कि ठीक है, आप अपने कल्चर की हद तक ही रहते थे, लेकिन अब जो दौर है, अब जो ज़माना चल रहा है, आपको डिफरेंट कल्चर्स में सर्वाइव करना पड़ता है, आपको डिफरेंट कल्चर्स में काम करना पड़ता है, आपको डिफरेंट कल्चर्स में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, या आपको रोज़गार को तलाश करना पड़ता है, या आपको मोस्ट लाइकली आपको बिजनेस करना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि आपको बिजनेस करना पड़ता है। तो आज हम ये डिस्कस, पहले हम इससे डिस्कस, इससे मैं डिस्कशन शुरू करूंगा, नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। द फर्स्ट पॉइंट इज द सक्सेस ऑफ एनी इंटरनेशनल बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिटी, ठीक है जी? अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना है, फॉर जो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना है, ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपको दूसरे कल्चर्स का पता होना चाहिए, ठीक है जी? सपोज अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, अगर आपकी कपड़े की टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मिल है आपकी, आपने कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो, तो जैसे आप पाकिस्तान में कपड़ा पहना जाता है वैसे कमीज शलवार यहाँ पहनी जाती है, पूरी दुनिया में उनके यहाँ पर डिफरेंट ड्रेसेस हैं। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे प्रोडक्ट फॉरवर्ड करोगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन करके भेजोगे, तो वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है? तो हर कंट्री के कल्चर को समझना बहुत लाजमी है, ठीक है जी? यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ? डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह से उसी प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। जिस तरह से राइस की बात करें तो हम लोग बिरयानी यूज़ करते हैं, हम लोग बिरयानी खाते हैं, लेकिन अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द अरब कंट्रीज, तो वो जो है ना वो बॉयल्ड राइसेस खाते हैं, ओके? इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज, चाइना, जापानीज, हर कंट्री में डिफरेंट तरह से राइस तो सेम ही है, लेकिन हर कंट्री में डिफरेंट तरह से राइस को कंज्यूम किया जाता है। तो उस हिसाब से आपने इस दैट्स वाई यू आर सपोज टू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्रॉम डिफरेंट कल्चर वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप, लर्न न्यू थिंग्स एंड इंक्रीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी? आजकल बेटा सिनेरियो ये है कि आपको पता ही है कि आजकल जो एम्प्लॉयज हैं पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं, या किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो पूरे कंट्रीज, मतलब पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से नहीं तो डिफरेंट कंट्रीज से एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फॉर्म, KPMG फॉर्म और EY फॉर्म, ठीक है जी? अब यहाँ पे जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं वो डिफरेंट, वो पंजाबी भी होंगे, वो जो है ना वो पठान भी होंगे, वो सिंधी भी होंगे, वो बलोची भी होंगे, वो डिफरेंट एरियाज के होंगे, वो डिफरेंट, मतलब वो डिफरेंट कल्चर्स के होंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि अब जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ आपके अपने एरिया के वर्कर्स नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट कल्चर्स के वर्कर्स होते हैं। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक फाइन है? सो कोई भी कंपनी है अब सिर्फ एक ही कल्चर में सर्वाइव नहीं करती, बल्कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, और डिफरेंट कल्चर्स के लोग को मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट नॉलेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। सेकंड ये कहना चाह रहा है, थर्ड में ये कहना चाह रहा है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रनिंग वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कंपेन्स। अब थर्ड में आपको बेटा बता रहा हूँ कि आप सपोज पेप्सी की बात करते हैं, अब पेप्सी जो है वो पूरी दुनिया में आपको पता है वो अपनी मार्केटिंग करती है। अब पाकिस्तान में जब हम मार्केटिंग करते हैं पेप्सी वाले, तो आपको पता होगा कि पहले आपको जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसमें ये था कि आप पेप्सी जोर से टेबल पे मारते थे तो बिरयानी की प्लेटें सीधी होना शुरू जाती थी, ऐसा ही है ना? देखिए, अब जो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं पेप्सी वाले, वो आपकी बिरयानी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो यूरोप में करेंगे तो यूरोप में जो टेस्ट चल रहा होगा, जो ट्रेंड चल रहा होगा, उसको उस पेप्सी को सर अटैच कर देंगे। सपोज पाकिस्तान में
इससे पहले जो ट्रेंड था वो पिज्जे का था, तो पिज्जे के साथ पेप्सी का आता था। आजकल जो आ रहा है वो कढ़ाई के साथ आ रहा है, क्योंकि अब लोग कढ़ाई ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्केटिंग ये होती है, मार्केटिंग बेटा बिजनेस की ये होती है कि उस कल्चर के लोग जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं उसके साथ अपनी प्रोडक्ट को अटैच कर दो। अब पेप्सी जो है हर कंट्री के हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर रही है। इंडिया में डिफरेंट तरह से मार्केटिंग हो रही है, ऐसा ही है ना, पाकिस्तान में डिफरेंट तरह से मार्केटिंग हो रही है, यूरोप में डिफरेंट तरह से मार्केटिंग हो रही है। सो हर कंट्री में के जो जो सेम प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है उसके कल्चर के हिसाब से होती है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक फाइन है। उसके बाद बेटा द लास्ट पॉइंट इज इट इज मार्क विद द रिमूवल ऑफ बैरियर्स बिटवीन द बॉर्डर्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल सोर्सेज एंड लेबर इज फैसिलिटेटेड। ठीक है, अब जब आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होता है तो फिर आप डिफरेंट लोकेशन पे आपके लिए जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपको पता है कि यूरोप का कल्चर क्या है, आपको पता है कि अमेरिका कल्चर क्या है, आपको पता है कि अफ्रीका कल्चर क्या है, तो अब आपके लिए बैरियर्स खत्म हो गए हैं, अब आपके लिए टेंशनें खत्म हो गई हैं, अब आप वहां जाके इजीली बिजनेस कर सकते हैं या इजीली लोगों में जाके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लोगों से कम्युनिकेशन तभी प्रॉपर नहीं हो पाती कि जब आपको उनके कल्चर का प्रॉपरली नहीं पता होता। वी बिकम फियरफुल, ओके, हम डरते हैं, खौफ खाते हैं उनसे कम्युनिकेशन करते हुए। क्यों? क्योंकि हमें उनके कल्चर का नहीं पता। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होता है सो इट इज इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद दोस पीपल। ठीक है जी, सो दैट वाज अ लिटिल वेरी शॉर्ट टॉपिक, नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, एंड द नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज द रोल ऑफ स्टूडेंट। मुझे लेट मी स्विच ऑन द एसी जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दी रोल ऑफ स्टीरियोटाइप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जी बेटा ये हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिमोट लिख रहे हैं, रोल ऑफ स्टीरियोटाइप, रोल ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है जी, सो जी रोल ऑफ स्टीरियोटाइप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये हमारा न्यू टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक हो गया, और दिस टॉपिक इज 2.7। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, 2.7 को डिस्कस कर। अच्छा स्टीरियोटाइप क्या होता है बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग, स्टीरियोटाइप क्या होता है जी। स्टीरियोटाइप रेफर्स टू जनरलाइज आइडियाज आर इमेजेस अबाउट सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर्स। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखना। ठीक है, लोगों ने क्योंकि ऐसे बोला है क्योंकि आपने बचपन से ऐसे सुना है तो ऐसे ही होगा, क्योंकि अब आपके अबाउजदाद ऐसे कहते थे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो हमसाया बोल रहा है तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया तो ऐसे ही होगा, क्योंकि दुनिया कहती है तो ऐसे ही होगा। मतलब जहां पे हमारा अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, जहां पे हमारा अपना नॉलेज नहीं होता, हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों में यकीन कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आई? तो स्टीरियोटाइप रेफर टू जनरलाइज आइडियाज आर इमेजेस अबाउट सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर्स। ठीक है, ये जनरलाइज आइडियाज होते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेसिफिक होते हैं जो आपके अपने होते हैं, जिसको आपने खुद गो थ्रू किया होता है, या जिसको आपने खुद रिसर्च किया होता है, या जिसको आपने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये जनरलाइज आइडियाज होते हैं और ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। ठीक है, और इसको लोग वाइडली एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स। ठीक है, हम जब भी किसी लड़के को देखें हम बोले कि बिकॉज इज अ बॉय, सो बॉयज जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ये एक जनरल सा आइडिया है। ओके, अब ठीक है, बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, नॉर्मली लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन क्या आप भी अच्छे हो? जस्ट थिंक अबाउट, क्या अगर देयर आर 100 स्टूडेंट्स तो क्या 100 के 100 स्टूडेंट्स ही स्पोर्ट्स में अच्छे हैं? जब हम जनरल बात करते हैं, जब हम उसको इज्तमाइयत में लेके आते हैं तो कुछ हद तक ये बात एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो क्या क्या पता कि वो पर्सन ही इज नॉट गुड एट स्पोर्ट।
ठीक है, डेड बॉय इज नॉट गुड. इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इज्तमाही तौर पे तो कुछ हद तक ये बात सही होती भी है, लागू की जा सकती है, इम्पोज की जा सकती है, इंप्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन जहां पे आपने इंडिविजुअल बात करनी है तो क्या पता वो पर्सन उसमें फॉल ना करता हो. सेकंड कहती गर्ल्स आर इमोशनल. ठीक है, मोस्टली गर्ल्स आर इमोशनल. कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो इमोशनल नहीं होती. ठीक है, ये जनरल एक आइडिया है कि जहां भी लड़कियों को देखोगे आप बोलोगे गर्ल्स आर इमोशनल, जज्बाती होती हैं. ब्लैक पीपल आर द बेस्ट एथलीट्स. ठीक है जी, जो ब्लैक पीपल है, ठीक है, डेफिनेटली दे आर बेस्ट एथलीट्स. वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हैं. लेकिन क्या सारे ब्लैक ही फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हैं? जरूरी नहीं है. चाइनीज पीपल ईट राइस. हम कहते हैं सिर्फ चाइनीज राइस खाते हैं, क्या वाकई सिर्फ चाइनीज राइस ही खाते हैं? आपको पता है चाइनीज क्या कुछ खाते हैं? ठीक है जी, तो हमारा एक जनरल आइडिया है कि चाइनीज जो है सिर्फ वो चाइनीज राइस ही खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो और चीजें भी खाते हैं. तो दिस इज जनरलाइज आइडिया है कि ठीक है इज्तमाही तौर पर देखा जाए तो मोस्टली दे आर फॉलोइंग द सेम डोमेन, लेकिन अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो शायद वो चीज ना खाता हूं, शायद वो राइस चाइनीज राइस वो चाइनीज राइस ना खाता हूं, वो कुछ और खाता हूं. ठीक है, ठीक है, वो लड़का स्पोर्ट में इतना अच्छा ना हो, वो गर्ल इतनी इमोशनल ना हो, वो जो ब्लैक पर्सन है वो इतना अच्छा एथलीट ना हो, ये बिल्कुल हो सकता है. ठीक है जी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, स्टीरियोटाइप कैन पर्टेन टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, सोशल क्लासेस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड ऑपोजिट जेंडर्स. जी, सो स्टीरियोटाइप कैन पर्टेन टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, सोशल क्लासेस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड ऑपोजिट जेंडर्स. अब जो स्टीरियोटाइप बेटा फॉल करता है वो हम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में फॉल करता है. लाइक हम कहते हैं जी एशियंस ऐसे होते हैं, हम कहते हैं जी यूरोपियन ऐसे होते हैं. ये नस्ल से एथनिक होता है, वो नस्ल जो है वो कैसे बिहेव करती है. जिस तरह से आई शुडंट से इट लाइक दिस, लेकिन अगर हम कुत्तों की पहचान करें तो हम उनकी एथनिसिटी से पहचान करते हैं कि ये कुत्ता कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है. जिस नस्ल से बिलोंग करेगा मतलब उसकी उस तरह की हरकतें होंगी. ठीक है, तो इंसानों की भी इसी तरह से एक एथनिसिटी होती है कि जिस तरह हम लोग एशियंस हैं. ठीक है, हम एक खास नस्ल से हैं, रेड मतलब हम इंडियंस हैं. ठीक है, इस तरह से कुछ जो है ना वो यूरोपियंस हैं, ओके, अरबी हैं. अब ये एक डिफरेंट एथनिसिटी है. अब उस एथनिसिटी का उस पर्सन में बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन अब उस इंडिविजुअल पर्सन पे कितना इम्पैक्ट है वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है. ठीक है जी, तो हम इंसान को जो कैटेगराइज करते हैं सबसे पहले उसको एथनिसिटी की बेस पे कैटेगराइज करते हैं, फिर उसको सोशल क्लास में, ये कितना अमीर है या कितना गरीब है. हमने एक माइंड बनाया होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं, गरीब इस तरह के होते हैं, जो व्हाइट कलर वो इस तरह के होते हैं, और मतलब हमने एक क्लासेस डिफाइन की हुई है. आपको पता ही है हमारे यहाँ कितनी क्लासेस डिफाइन है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा क्लासेस डिफाइन है. ठीक है जी, अब रिलीजियस ग्रुप्स, अब मुसलमान है तो ऐसा होगा, क्रिश्चियन है तो ऐसा होगा, ज्यूश है तो ऐसा होगा. ठीक है, अब हम इसकी बेस पे, अब जो इंटरनेशनली जो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो रिलीजन की बेस पे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आजकल. ठीक है, कि हम जिस मदर से बिलोंग करते हैं मोस्टली हमारे एक्शन भी वैसे ही परफॉर्म होंगे. एंड ऑपोजिट जेंडर्स, मेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स ऐसी होती हैं. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टीरियोटाइप कैन पर्टेन टू, हम मतलब हम किसी की नस्ल की बेस पे या उसकी क्लास की बेस पे, कौन सी क्लास में वो फॉल कर रहे हैं, या उसके मजहब की बेस पे या उसकी जेंडर की बेस पे, हम कुछ ना कुछ फौरन अपने माइंड में कुछ अखज कर लेते हैं, कुछ नतीजा बना लेते हैं कि अच्छा अगर ये इस मजहब से बिलोंग करता है तो फिर ये ऐसा होगा, अगर इस क्लास से बिलोंग करता है तो ऐसा होगा, अगर इस एथनिसिटी से बिलोंग करता है तो ऐसा होगा, और अगर इस सोशल क्लास, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, और अगर वो आई होप यू अंडरस्टूड, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है जी, उसके बाद बेटा फॉर एग्जाम्पल लोअर क्लास पीपल आर अनएजुकेटेड. ठीक है जी, लोअर क्लास, अब नॉर्मली हम कहते हैं जी जो लोअर क्लास है वो अनएजुकेटेड होती है. और उसके बाद बेटा मेंस आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन्स. ठीक है, जो मर्द हैं वो स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू दी फीमेल्स, एज कंपेयर टू द वुमेन. एंड चाइनीज आर एन एक्सट्रीमली कंपैरेटिव रेस. नॉर्मली हम कहते हैं जी चाइनीज हैं बड़े एक्सट्रीमली कंपैरेटिव हैं. कुछ हद तक ये बातें ठीक भी हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोअर क्लास पीपल आर अनएजुकेटेड. नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन आजकल जो एजुकेटेड है वो 15,000-20,000 की जॉब कर रहे हैं. आप खुद देखो कि जो बीए हैं, जो एमए हैं, जो टीचर लगते हैं नॉर्मली जो स्कूल वगैरह में लगते हैं, स्कूल वगैरह की बात करूं, या जो नॉर्मल जॉब करते हैं 15,000-20,000 की सैलरी होती है. लेकिन जो ज्यादा जो अमीर लोग हैं वो अनएजुकेटेड है. सपोज अगर बात करूं मलिक रियाज की, अगर बात करूं मियां मंशा की, ठीक है जी, अब इनके पास एजुकेशन तो नहीं, और दुनिया के जो रिचेस्ट पीपल उनके पास एजुकेशन नहीं है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो लोअर क्लास पीपल जो है ना वो एजुकेटेड अनएजुकेटेड ही हो.
ठीक है जी, ये बात समझ आई बेटा? अनएजुकेटेड लोग जो है ना बहुत हाई क्लास में, बल्कि आजकल जो दौर चल रहा है बेटा, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो बिजनेसेस करते हैं, और जब बिजनेसेस करते हैं वो आगे ग्रो अप कर जाते हैं, और जो एजुकेटेड बनते हैं वो नौकरी के चक्कर में होते हैं, और आपको पता है जो नौकरी मिलती है वो 50,000 की, 60,000 की, 1,00,000 की, और 2,00,000 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं आप लोग, 2,00,000 जा सकते हैं, 5,00,000 जा सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो है ना एक एक महीने में करोड़ों रुपये कमा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, Stereotypes arise as an approach toward explaining and justifying differences between groups. ठीक है, अब stereotype की बेस पे हम क्विकली जो है ना जस्टिफाई कर देते हैं कि अच्छा अगर वो इस क्लास से बिलोंग करता है तो ऐसा होगा, वही उसको रिपीट कर रहा है, वो प्रीवियस पॉइंट को रिपीट कर रहा है कि stereotype arise as an approach toward explaining and justifying differences between the group, हमारे लिए ग्रुप में differentiate करना बहुत आसान हो जाता है। It might arise as a result of lack of exposure to other groups, cultures, etc. They can be positive or negative. अच्छा, जो stereotype होते हैं, आपके मैंने पहले बताया था कि stereotype की सुनी सुनाई बातें होती हैं, और सुनी सुनाई बातों की बेस पे आप जो है ना वो लोगों को explain करना शुरू कर देते हो, ओके? कि ये ऐसा होगा और ये वैसा होगा। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो आपका अपना exposure तो होता नहीं है, मतलब इट माइट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ एक्सपोजर, कि आपका इसमें अपना एक्सपोजर तो है नहीं, आपका इसमें अपना जो है वो आपने रिसर्च तो की नहीं है, आपका इसमें अपना नॉलेज तो है नहीं, आपने खुद तो इसमें गो थ्रू किया नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव ओपिनियन अबाउट अदर पर्सन, ठीक है जी। सो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज आपके दोस्त ने कहा यार ये बंदा बड़ा खराब है, अब आपकी उससे मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन उस मुलाकात होने से पहले ही आपने उसके बारे में माइंड बना लिया कि यार बंदा बड़ा खराब है, ठीक है। आपका दोस्त कहता है यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, अब आपकी उससे मुलाकात नहीं, आप पहले आप उसके पास जब जाते हो मुलाकात के लिए तो आप पहले आपके माइंड में यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, कि वो चलो उसके साथ अच्छा था या उसके साथ बुरा था, तो आपका उसने कैसे बिहेव करना यू डोंट नो येट, लेकिन आप पहले से ही माइंड बना के चले जाते हो क्योंकि मुझे उसने बताया। अब जिस तरह से आजकल मोस्टली आगे मैं बात करता हूं डिटेल में, जिस तरह से बीबीसी वाले ऐसे कहते हैं, क्योंकि सीएनएन वाले ऐसे कहते हैं, क्योंकि जियो वाले ऐसे कहते हैं, क्योंकि पीटी वाले ऐसे कहते हैं, क्योंकि आज टीवी वाले ऐसे कहते हैं, तो ऐसा ही होगा, खुद तो कभी रिसर्च करनी नहीं है। तो आजकल जो हमारी जो सोचें हैं वो हमारी अपनी नहीं है, आजकल जो हमने स्टीरियोटाइप बनाए हुए हैं, स्टीरियोटाइप जो हमने सोचें डेवलप कर दी है, हमारा अपना रिसर्च, अपनी रिसर्च तो होती नहीं है, क्योंकि आप जियो बता रहे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आप बीबीसी बता रहे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आप सीएनएन बता रहे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन द स्टीरियोटाइप। Stereotype can be taken as a printing step to make multiple copy from a single mold. अब कहना चाह रहा है कि एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, सिंगल मोल्ड, एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है, और वो जब एक्सपीरियंस दूसरों के शेयर करता है, दूसरे उसके एक्सपीरियंस बिलीव करना शुरू कर देते हैं। सपोज आपका फ्रेंड गया दुबई जॉब करने के लिए, अब वहां पर बेचारा वहां पर सेटल नहीं हो सका, वहां पर उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली, ही कम्स बैक फ्रॉम दुबई। अब वो अपने दोस्तों को बताता है, आपको बताता है, अब आपका प्लान था दुबई जाने का, अब आप उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप दुबई के प्लान को कैंसिल कर देते हो, क्योंकि आप कहते हो यार क्योंकि मेरा दोस्त गया था, उसकी वहां एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, तो मैं भी नहीं जाता। भाई खुदारा वो अपनी किस्मत लेकर गया था, ओके, क्या पता उसने वहां जाके क्या मिस्टेक की, क्या पता उसने वहां पर सही इंटरव्यूज नहीं दिए, क्या पता उसने वहां पर सही रिसर्च नहीं की, लेकिन क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बैड हुआ तो उसके एक्सपीरियंस की बेस पे हम अपना एक्सपीरियंस भी अपनी तकदीर भी बैड करने में बैठे होते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। कहना चाह रहा है कि वो एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है और वो मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं, वो एक पर्सन दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है, इस तरह वो कॉपीज बनना शुरू हो जाती है, जिस तरह से एक पेज होता है, एक पेज कितनी कॉपीज बना सकते हैं, द सेम हियर, वो एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है, वो एक चैनल का एक्सपीरियंस होता है, जिस तरह से आप पीटीवी वाले हैं, ओके, वो अब वो जो खबर नशर कर रहे हैं, कितने लोग उसको बिलीव करेंगे, अब जियो पे जो खबर आएगी कितने लोग उस पर बिलीव करने वाले हैं, मल्टीपल लोग बिलीव करने वाले हैं, अगर बीबीसी पे या सीएनएन में जो खबर आ रही है कितने लोग, जितने लोग उसको देखेंगे सारे बिलीव करना शुरू कर देंगे। तो सोर्स तो एक होता है, लेकिन बाकी लोग उस सोर्स को 100% मान के उसको यकीन करना शुरू कर देते हैं, दैट्स हाँ, अगर आपको 100% ऑथेंटिकेट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ये ट्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कभी जो है ना बायसनेस नहीं करते, ये कभी जो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं करते, फिर तो इजाजत है,
लेकिन आपको खुद नहीं पता कि वो किस नियत के साथ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको खुद नहीं पता कि उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्या मिस्टेक्स की है। हाउ यू कैन रिलाई अपॉन हिज और हर इंफॉर्मेशन। जिस तरह से एक बच्चे से अगर सीए नहीं हुआ, एक बच्चा वो बेचारा वो सीए में रह गया, अब उसने पता नहीं क्या मिस्टेक्स की, उसने सही मेहनत नहीं की, लेक्चर नहीं सुना, अब वो दूसरों को बताएगा यार सीए नहीं करना, सीए इज वेरी टफ। वो आ गया नेक्स्ट बताएगा यार सीए का सीए इज वेरी। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक बच्चे का एक्सपीरियंस, एक बच्चे का बैड एक्सपीरियंस वो कितने बच्चों का बैड एक्सपीरियंस बनने वाला है। ये बात समझ में आई? दिस इज द प्रॉब्लम इन द स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, दो स्टीरियोटाइपिंग इन सोशल रिलेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल बाय क्लासिफाइंग पीपल एंड हेल्पिंग अस फोरटेल देयर कंडक्ट एंड प्लान अवर रिएक्शन। ठीक है जी, अब कहना चाह रहे हैं कि जब स्टीरियोटाइप करते हैं हम दो, ओके, उससे हम फोरटेल, हमें पहले ही ठीक है काफी हद तक हमें आइडिया हो जाता है कि ये ग्रुप किस तरह का होगा, ये कौम किस तरह की होगी, ये नस्ल किस तरह की होगी, ये मजहब के लोग किस तरह के होंगे, ये काफी हद तक हमें हेल्प आउट कर देता है। अगेन आई एम सेइंग, दो स्टीरियोटाइप इन सोशल रिलेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बाय क्लासिफाइंग पीपल, हम लोगों को पहले क्लासिफाई कर देते हैं एंड हेल्पिंग अस फोरटेल देयर कंडक्ट। हम पहले से ही कुछ ना कुछ हमें आइडिया हो जाता है कि ये लोग किस तरह से बिहेव करने वाले हैं या ये लोग किस नेचर के मालिक हैं एंड प्लान अवर रिएक्शन, और उसके मुताबिक हम पहले से अपना रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। येट इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस, लेकिन ये कई दफा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि अब आपने वो इज्तमाही वो कॉन्सेप्ट तो ले लिया है, लेकिन जब आप उस बंदे के साथ बिजनेस, सपोज आप कहते हो जी, जिस तरह से पठान कहते हैं जी पंजाबी जो है ना वो फ्रॉडी होते हैं बिजनेस करने में, और पंजाबी कहते हैं जी पठान ऐसे होते हैं। अब सपोज एक पठान पंजाबी से बिजनेस करने आया है, अब वो पंजाबी जो है वो अपनी नेचर में बड़ा अच्छा है, वो बिजनेस करने में बड़ा अच्छा है, अब क्योंकि उसने वहां सुना है केपीके में कि पंजाबियों के साथ बिजनेस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, अब उस बिचार उस जब उस पंजाबी के साथ बिजनेस करेगा तो वो उसके जहन में वही बात होगी कि यार ये सारे पंजाबी ऐसे होते हैं। तो ये दिस इज अ डेंजरस, हमने जो चीजें सुनी होती हैं अगर हम उसी की बेस पे आगे भी हम चलेंगे तो फिर हमारे लिए आगे खतरा ही खतरा है, फिर हम अच्छी तरह से बिजनेस नेगोशिएशन या बिजनेस डीलिंग्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि वो जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसके साथ आप डीलिंग करने वाले हो वो किस नेचर का मालिक है। ठीक है, ठीक है, इज्तमाही तौर में शायद लोग ऐसे बिहेव करते हों, लेकिन जिसके साथ आपका पाला पड़ रहा है, जिसके साथ आपका वास्ता पड़ रहा है, क्या पता बंदा वो पर्सन उस नेचर का मालिक ना हो। ठीक है, वो जो है ना बड़ा शरीफ हो, वो अपनी डीलिंग में बड़ा 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 क्लियर हो, बड़ा वो ट्रांसपेरेंट हो, वो बड़ा जो है ना अमानतदार हो, दयानतदार हो। ठीक है जी, ओके जी, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब आगे बेटा, कल्चरल स्टीरियोटाइप ऑफन रिजल्ट फ्रॉम और लीड टू प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस होता है कि ये बचपन से आपके जहनों में कुछ फतूर डाल दिए जाते हैं, ये मलक ऐसे होते हैं, चौधरी ऐसे होते हैं, जट ऐसे होते हैं, ठीक है जी, सुन्नी ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, ये बचपन से आपके जहनों में ये फतूर, ये जहर घोल दिया जाता है, ऐसे ना घोल के आपको पिला दिया जाता है सारी जिंदगी, ओके, आप इसी जहर में जो है ना ये आप जो ना वो सोचों में रहते हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, बचपन से जो चीजें आपके जहन में इंग्रेन कर दी जाती हैं वो सारी जिंदगी आपके जहन से पेरी निकलती है। हाँ, वक्ती तौर पर जब आप इतने मेच्योर हो जाते हो आप उनको बिठा देते हो, ओके, लेकिन वो आपके जहन से कभी चीजें निकलती नहीं है। जिस तरह से रिसेंटली व्हाट हैपन इन अमेरिका, अब अमेरिकन, अब व्हाइट पीपल आर सो एजुकेटेड, ब्लैक पीपल आर सो एजुकेटेड, आपको पता है वहां पर कितनी एजुकेशन ज्यादा हो गई है, लेकिन अब उनको उनके जहनों में जो बचपन से डाल दिया कि ब्लैक लोग ऐसे होते हैं, व्हाइट लोग ऐसे होते हैं, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी वहां पर ब्लैक और व्हाइट में क्लैश रहता है। ठीक है ना, चाह रहा है कि आप जितनी मर्जी एजुकेशन गेन कर लो, जितने मर्जी डेवलप हो जाओ, बचपन से आपके जहन में डिफरेंट जात पात के हिसाब से, डिफरेंट फिरकों के हिसाब से, डिफरेंट मजहब के हिसाब से, डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से जो आपको आपको घोल के पिला दिया गया है वो सारी जिंदगी आपके साथ चलने वाला है। यहां तक अंडरस्टैंड हो गया? तो ये कहना चाह रहा है कि कल्चरल स्टीरियोटाइप ऑफ रिजल्ट फ्रॉम आर लीड टू प्रेजुडिसेस नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट अदर्स। हम बचपन से ही कोई नेगेटिव ओपिनियंस बना के बैठे होते हैं, प्रेजुडिसेस बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन ऑफ एनी रेस ऑफ पीपल इनटू थिन, फिर आपकी सोच बड़ी थिन हो जाती है, बड़ी आपकी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव स्टीरियोटाइप कैन हैव डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, ओके, वायलेंस एंड जेनोसाइड इन एक्सट्रीम केसेस। अब आई टेक द एग्जांपल ऑफ रिलीजन, ओके, जिस तरह से बीबीसी वाले, सीएनएन वाले हर खबर में कहीं ना कहीं मुसलमानों को रगड़ा देते हैं,
मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, ठीक है जी, ऐसा ही है ना। अब वो बातें सुना सुना के, ओके, वो बातें कह कह के आप जो यूरोपियंस हैं, आप जो भी जो सुनने वाले हैं, वो उस पर यकीन करना शुरू कर दिया उन्होंने, ओके। तो अब उस केस में हो क्या रहा है, अब रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में हुआ आपको पता ही है, ओके, मॉस में कितने लोगों को जो ना वो शहीद किया गया। तो ये फिर होता क्या है कि फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, फिर तासुब होता है, मतलब उन्होंने खुद तो इस्लाम पे रिसर्च की नहीं है, उन्होंने खुद तो उसको क्लोजली गो थ्रू किया नहीं है, अब वो सारा किस पर लाइक कर रहे हैं, जैसा बीबीसी बता रहा है, जैसे सीएनएन बता रहा है, या दूसरे चैनल्स बता रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये कहना चाह रहा है कि फिर लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फिर वायलेंस होता है, फिर तशद्दुद होता है, और एट द एंड फिर जेनोसाइड एक्सट्रीम केसेस पे, जिस तरह से अब बर्मा में हुआ रिसेंटली, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द स्टीरियोटाइप। यहां तक अंडरस्टैंड हो गया बेटा, यहां तक फाइन है, आगे बेटा, वी ऑफन फाइंड पीपल स्टीरियोटाइप अराउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सपोज एज, ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, हम कहते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, मेजोरिटी भुलक्कड़ होती होगी, लेकिन क्या सारे लोग ही भुलक्कड़ होते हैं, क्या सारे बुजुर्ग भुलक्कड़ होते हैं, ऐसा नहीं होता। आई नो अ बाबा जी हु इज 100+ और उनकी मेमोरी जो है ना वो यंगस्टर से भी ज्यादा है। आप उनसे एक दफा मुलाकात करें, अपना नाम बताएं, अगर आप उनसे उनके साथ आप 6 महीने बाद मुलाकात करेंगे तो आपको नाम से कॉल करेंगे। तो कई ऐसे बुजुर्ग मैंने देखे हैं कि दे आर नॉट फॉरगेटफुल इवन दे आर 100+। उसके बाद जी रिलीजन, इस्लाम इज फास्ट, इज ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर रिलीजन, बात ठीक है, काफी हद तक इस्लाम काफी रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही नहीं है जो स्प्रेड कर रहा है, अभी इस्लाम से भी ज्यादा जो फास्टर जो मजहब स्प्रेड कर रहा है वो एथीस्ट, का आपको पता ही है कि लोग किसी मजहब पे बिलीव करने को राजी नहीं है, ये एथीस्ट बड़ा क्विकली जो है ना वो दुनिया में स्प्रेड कर रहा है। उसके बाद बेटा जो थर्ड है वो प्रोफेशन, ऑल लॉयर्स आर ग्रीडी, जनरली होता है कि ठीक है लॉयर्स ग्रीडी होते हैं, लेकिन सारे लॉयर्स ग्रीडी नहीं होंगे। उसके बाद आज स्विच वॉचेस आर परफेक्ट, ठीक है, परफेक्शन दुनिया में, एक बात याद रखना, दुनिया में किसी चीज के साथ आप परफेक्शन का वर्ड नहीं लगा सकते। अगर स्विस वॉचेस परफेक्ट होती तो फिर जो है ना ये जो ये टाइम है ये मोबाइल में क्यों ट्रांसफर हो गया, ठीक है, फिर नए नए मॉडल्स क्यों लॉन्च होते हैं उनके, ठीक है, परफेक्ट का मतलब ये है कि अखीर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, खत्म हो गई बात, लेकिन दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, कोई चीज परफेक्ट कभी ना बन सकती है, ना होगी और ना है, हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, ठीक है। उसके बाद जी रेस आर चाइनीज पीपल लुक अलाइक, हम कहते हैं जितने भी चाइनीज हैं वो सेम लगते हैं, वो हमें कहते हैं कि ऑल द एशियंस लुक अलाइक, ठीक है जी, तो ये एक नेचुरल सा फेनोमेना है जी। उसके बाद बेटा स्टीरियोटाइप है 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी 4 मेन खूबियां होती हैं, दे आर सिंपलर देन रियलिटी, स्टीरियोटाइप को इतनी बड़ी बला नहीं होती, लेकिन जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, न्यूज एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ थोड़ा सा किसी पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा इश्यू होता है, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया जाता है, ऐसा ही है ना, मतलब जैसे जैसे आसमान शायद नीचे आ गए जमीन ऊपर चली गई है। स्टीरियोटाइप में होता यह है कि हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके एक्सप्लेन करते हैं, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं होती, जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो जियो का अगर आप चेक करो उनका जो म्यूजिक चल रहा होता है और डिफरेंट चैनल्स का जो म्यूजिक, बड़ा इंपैक्ट होता है ब्रेकिंग न्यूज के साथ, वो जो जिस तरह से वो बोलते हैं और जिस तरह का लहजा होता है और जिस तरह का म्यूजिक साथ चल रहा होता है, लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि द रियलिटी इज सिंपलर, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना कोई बड़ा तूफान नहीं होता जितना बड़ा वो आपको खौफ में डाला जाता है, यार पता नहीं क्या हो गया, क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर देन वन ओन एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया होता है, आपका आप खुद उस पर रिसर्च नहीं की होती, आपने खुद नॉलेज नहीं गेन किया होता, बस दूसरों की सुनी सुनाई बातों को आप एज इट इज मान लेते। उसके बाद बेटा क्या है, दे आर एरोनियस बाय देयर वेरी नेचर, ये अपनी नेचर में ही गलत है, अपनी नेचर में किस तरह से गलत है बेटा, हम कहते हैं जी जिस तरह से कहते हैं जी ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, ठीक है, जब इज्तमाई बात करें तो शायद काफी हद तक ये इंप्लीमेंट हो भी जाए, लेकिन जब आपने इंडिविजुअल बात कर लिया तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं जी सारे जो हैं वो यूरोपियन जो है ना बिजनेस में ऐसे हैं, यूरोपियन बिजनेस में ऐसे हैं, अब जब आप यूरोप बिजनेस करने जाए तो आपके जहन में यही होगी यार यूरोपियन बिजनेस में ऐसे हैं, क्या पता जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हो वो ऐसा ना हो। तो धोखा तब होता है, प्रॉब्लम तब होती है, आप डिसीव तब होते हो, आपकी आंखों के आगे पर्दा तब डलता है कि जब आप उस जनरल आइडिया को
वो जो एक जो बड़ा वसी पैमाने पे जो आइडिया है उसको आप उस इंडिविजुअल पर्सन में अप्लाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है? दिस इज द रियल प्रॉब्लम. उसके बाद बेटा है द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ बुलेट पॉइंट, दे रेजिस्ट चेंज इफ इंट्रेंच्ड डीपली. ये आपके ज़हनों में इस तरह से इनग्रेन कर दिया जाता है, आपको इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि अगर आपको कहा जाए कि यार जिस तरह से हम इंडियंस के बारे में खास एक ओपिनियन रखते हैं, हम इसराइल के बारे में खास एक ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, कि यार सारे इंडियंस ऐसे हैं, सारे इसराइली ऐसे हैं. अब जरूरी तो नहीं है कि सारे ऐसे हों, उसमें कोई अच्छे भी होंगे, लेकिन जब हम कोई ऐसी बात करेंगे तो हमारा माइंड रेजिस्ट करेगा, नहीं यार ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ठीक है जी. तो ये कहना चाह रहा है कि दे रेजिस्ट चेंज इफ इंट्रेंच्ड डीपली, कि आपके ज़हनों में स्टीरियोटाइप इस हद तक इनग्रेन कर जाता है, इतना वो फिक्स हो जाता है, अगर वो चेंज करने की कोशिश की जाए तो आप रेजिस्ट करते हो. यू आर नॉट विलिंग टू चेंज. ठीक है, दुनिया की जो मेजोरिटी पब्लिक है वो अपने अपने जो जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो ऑलरेडी उनके माइंड में जो चीज़ बैठ चुकी है, उसको वो चेंज नहीं करना चाहते, उसको एज इट इज लेके चलना चाहते हैं. ठीक हो गया जी. उसके बाद बेटा वी ट्रस्ट ऑन दीज सिंप्लीफाइड, लास्ट पैराग्राफ, वी ट्रस्ट ऑन दीज सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन बिकॉज दे हेल्प अस मेक डिसीजंस क्विकली. हम ये स्टीरियोटाइप क्यों करते हैं, क्यों करते, ताकि क्योंकि इससे हमारे लिए फैसले करना बड़ा जल्दी होता है. ठीक है जी, क्योंकि हमें बताया गया है जी ये कौम ऐसे है, हमें बताया गया है जी ये नेशन ऐसे है, हमें बताया गया जी ये जो है ये जात पात ऐसे, हमें बताया गया जी ये जो फिरका ऐसा है, तो हम मतलब उसकी बेस पे हमारे लिए फैसले करना, क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, हमें जैसे बताया गया उसमें बिलीव करना शुरू कर देंगे. तो सिंपली बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप खुद एफर्ट नहीं करते, जहाँ पे खुद आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, जहाँ पे आप खुद स्ट्रगल नहीं करना चाहते, जहाँ पे आप खुद पढ़ना नहीं चाहते, जहाँ पे खुद आप नॉलेज गेन नहीं करना चाहते, और बस सुनी सुनाई बातों पे, जिस तरह से आपको वीडियो को मिल गई, व्हाट्सएप पे वीडियो आई, अब आपको खुद नहीं पता कि यार वीडियो का सोर्स क्या है. ठीक है, आपने फेसबुक पे कुछ चीज देख ली, आपको चैनल पे कुछ चीज नजर आ गई, आपने यकीन करना शुरू कर दिया, मतलब इजीली मिल जाती है ना चीजें. जहां पे आप खुद मेहनत करने से कतराते हो, आप कहते हो यार मैं मेहनत क्यों करूं, गल समझ आई? ठीक है, जहां पे आप कंफर्ट जोन में, आप इतने आराम पसंद हो गए हो, सेल्फ पसंद हो गए हो कि आप एफर्ट करना ही नहीं चाहते, आपको बनी बनाई खीर चाहिए. ठीक है, तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वी स्टार्ट जनरलाइजिंग इन अप्रोप्रिएटली टू मच. प्रॉब्लम जब होती है कि जब हर चीज में हम जनरलाइज करना शुरू कर दिया, इन अप्रोप्रिएट करना शुरू कर दें, मतलब वो चीज ऐसे ना हो, लेकिन क्योंकि आपके पेरेंट्स ने ऐसे आपको बताई है, ठीक है, या आपके टीचर ने ऐसे बताई है तो ऐसे ही होगा, आपके दोस्त ने ऐसे बताई है तो ऐसे ही होगा, मतलब हर चीज में आप दूसरों पर लाइक करना शुरू कर दो. आप खुद जिंदगी में एफर्ट ही ना करो, आप खुद जिंदगी में रिसर्च ही ना करो, जैसा दूसरे आपको बता, मतलब आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में, जैसे वो आपको बताएं वैसे आप मूव करना शुरू कर दो. दे आर वाइड स्प्रेड, ये बहुत वाइड स्प्रेड है, लोग इसे बड़ी जल्दी यकीन करते हैं, वाइड बड़ी जल्दी ये बातें फैलती हैं आगे, आपको पता है ये बात से बात निकलती है और लोगों को तो चस्के लगाने की आदत है. ठीक है, नहीं बात ठहरती नहीं है, बस किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, साथ ही व्हाट्सअप करना शुरू कर दो, साथ ही फेसबुक पे उसको पोस्ट करना शुरू कर दो, मतलब अब तो इश्यू ही कोई नहीं है, यू नो, अब तो फौरन को बात होती नहीं है, पूरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया को पता चल जाती है वो बात. खानदानों में ऐसे होता है, कुछ बात खानदान में हुई नहीं, पूरे पूरे वो खानदान में ऐसे कोरोना वायरस तरह फैलती है बात. ठीक है, तो स्टीरियोटाइप इज लाइक अ कोरोना वायरस. ठीक है, जो किसी के साथ होता है वो हम फौरन डिस्कस करना चाहते हैं. ये कहना चाह रहा है दे आर वाइड स्प्रेड एंड मे नॉट कंटेन एनी ट्रूथ एट ऑल. और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी 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 ईगो को फुलफिल करने के लिए, अपने हिडन मकासिद को अचीव करने के लिए, ओके, अपने डेंजरस सॉर्ट ऑफ जो है ना, किसी को जो पर्पज होते हैं, किसी को हार्म करना, किसी को किसी के पीठ पे जो उसको नुकसान पहुंचाना, इस पर्पज के लिए भी इसको काफी हद तक हम यूज करते हैं. एंड मे नॉट कंटेन एनी ट्रूथ एट ऑल व्हेन अप्लाई टू अ सिंगल पर्सनल सिचुएशन. क्या पता वो बंदा उस तरह का ना हो, क्या पता वो सिचुएशन उस तरह की ना हो, लेकिन जब हम हर सिचुएशन को उसी पैमाने में उसको मेजर करना शुरू कर देते हैं, हर पर्सन को हम उसी तरह से कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, सो देयरफॉर वी नीड टू एक्सरसाइज केयर एंड डिस्क्रिशन टू अवॉइड बीइंग अनफेयर. हम पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के साथ अनफेयर ना हो जाएं, किसी के साथ हम ना इंसाफी ना कर जाएं. ठीक है जी, सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप सिंपली बेटा ये होता है कि जहां पे इंसान अपनी रिसर्च नहीं करता, जहां पे इंसान, ठीक है बेटा वो एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है,
कुछ हद तक वो कॉन्सेप्ट ठीक भी होते हैं, लेकिन अब हम हमारा जो बिजनेस का वास्ता होता है या हमारी जो इंट्रैक्शन होती है वो इज्तमाईयत में कम होती है और इंडिविजुअल वन टू वन ज्यादा होती है। अब वन टू वन जिसके साथ आप इंट्रैक्शन कर रहे हो, क्या पता वो पर्सन उस नेचर का ना हो। अब जस्ट आई गिव यू वन एग्जांपल, बीबीसी वाले सीएम वाले ऑल द टाइम कहते हैं जी मुस्लिम आर टेररिस्ट। अब मुझे आप खुद बताओ, आर यू टेररिस्ट? लेकिन स्टीरियोटाइप ये होगा कि यार क्योंकि आप मुसलमान हो तो यू आर टेररिस्ट। आप खुद बताओ आर यू टेररिस्ट? लेकिन वो सारे मुसलमानों उस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ खराब लोगों की सोसाइटी में, कुछ खराब लोगों की वजह से, और आई डोंट नो कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वो खराब लोग जो होते हैं वो पूरी सोसाइटी को उसी ओपिनियन में ले आते हैं, क्योंकि वो कुछ लोग जो है ना ऐसा कर रहे हैं पूरी सोसाइटी ऐसी होगी। कुछ जो है ना वो जो रियल मुसलमान नहीं है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं जो असल मुसलमान है वो भी ऐसे ही होंगे। सो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द स्टीरियोटाइप। अंडरस्टैंड जी, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा द थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज डन बेटा, ये भी हो गया। द नेक्स्ट वन इज द थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग, अब मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है जी। और जो टॉपिक है जी, थिंकिंग प्रोसेसेस है, ये थ्री टॉपिक है, थिंकिंग प्रोसेसेस। मेरा बेटा सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे एक फेवरेट टॉपिक है थिंकिंग प्रोसेस। हम सोचते किस तरह से, हमारा माइंड किस तरह से ख्यालात को जनरेट करता है, कैसे इनकोड करता है, कैसे डिकोड करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे किसी मसले को कैसे किसी मसले के सोल्यूशन को ढूंढता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक इन द बुक एंड डेफिनेटली यू आर गोना एंजॉय इट अ लॉट। सो आई एम गोना कंटिन्यू फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेटा क्या कहना चाह रहा है, थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी नहीं है। ब्रेन इज अ डिवाइस, जब ब्रेन काम करना शुरू करता है तो उसे कहते हैं मेंटल, माइंड, मेंटल लिख लिया माइंड से, माइंड मेंटल एक्टिविटी। सो थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी, जब आपका माइंड, जब आपका ब्रेन काम करना शुरू करता है, दैट्स कॉल्ड अ मेंटल एक्टिविटी विच कंटिन्यूज इवन व्हेन वन इज स्लीपिंग, ठीक है। जब आप सो रहे होते हो उस वक्त भी आपका दिमाग चल रहा होता है, उस वक्त भी वो सोच रहा होता है, आपको पता है कितने आपको ख्याल आ रहे होते हैं। अगर सोने से पहले आप जो कुछ कर रहे होते हो, जो आपने किया होता है, आपका डायरेक्टली आपकी नींद पे वही इम्पैक्ट होता है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपकी नींद भी, स्लीप में भी आपको अच्छे ख्वाब आएंगे, लेकिन अगर आपने जागते हुए आपने कोई बुरे काम किए हैं तो आपको ख्वाब में भी आपको डरावने, मतलब सोते हुए आपको डरावने ख्वाब आने वाले हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त मैं, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने रिसर्च किया है कि सोते हुए आपका माइंड ज्यादा वर्क कर रहा होता है। जब हम जाग रहे हैं, राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग टू यू, तो हमारा माइंड स्कैटर्ड है, ठीक है, ये भी करना है, वो भी करना है, दिमाग में कई चीजें चल रही हैं, ठीक है। मतलब जितनी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इस तरह से समहाउ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो मेरे माइंड स्कैटर्ड है, ये भी करना है, वो भी करना है, ओके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, ये टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है और मल्टीपल डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा होता है, ओके, तो माइंड खुद थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड हमारी बॉडी को रिकवर कर रहा होता है और अपनी अपनी इस बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ठीक है। अब जिस तरह से आपके, अच्छा, आपकी जो बॉडी ज्यादा ग्रो करती है जब आप सो रहे होते हैं, उस बॉडी को ज्यादा ग्रो करती है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका माइंड लर्निंग में लगा हुआ है, आपका माइंड चीजों को सीखने में लगा हुआ है, आपका माइंड किसी से बात करने में लगा हुआ है, बिजनेस करने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब सो रहे होते हैं तो आप माइंड फिर भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं, आप आपकी बॉडी को रिकवर कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू थिंक यू आर स्लीपिंग बट योर माइंड इज नॉट स्लीपिंग, योर माइंड इज वर्किंग फास्टर व्हेन यू आर स्लीपिंग। इसलिए जब आप उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, ठीक है जी, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता, वो फोकस्ड होता है, सिर्फ एक चीज पे फोकस होता है, वो आपकी जात है। लेकिन जब आप
नींद से बेदार होते हैं तो फिर आपका जो माइंड है वो स्कैटर्ड हो जाता है, दुनियादारी में स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जी थिंकिंग इज सेड टू बी अ कंस्ट्रक्टिव, ये रूहानी प्रोसेस है बेटा, थिंकिंग आनी चाहिए। देखो इंसान में और दूसरे जितनी मखलूकात हैं उनमें सिर्फ फर्क ये है कि इंसान कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कर सकता है, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई इश्यू आता है उसको सोचता है, उसका सोल्यूशन निकालता है। अब मुझे एक बात बताओ, परिंदे जब से बने हैं, अल्लाह पाक जब से परिंदे बनाए हैं, जब से बाकी जानवर बनाए हैं, देखिए अगर वो घोंसलों में रहते थे आज भी घोंसलों में रहते हैं, जैसे वो उस वक्त खुराक खाते थे आज भी वही खुराक खाते हैं। जो भी जानवर है, बाकी इंसान के अलावा जितनी भी मखलूकात हैं, किसी ने अपने आप को चेंज नहीं किया। किसी ने सपोज कभी आपने देखा है कि जो है ना वो शेर ने महल बनाना शुरू कर दिया, शेर जैसे पहले रहता था आज भी वैसे ही रहते हैं, परिंदे आज भी वैसे ही रहते हैं। तो ये जो इंसान को डिफ्रेंशिएट किया गया है फ्रॉम अदर मखलूकात, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और ये प्रोसेस जिस इंसान में है उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आई कैन थिंक समथिंग न्यू, मैं अपने मसलों का सोल्यूशन निकाल सकता हूं। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट्स अ रूहानी प्रोसेस। तो ये कहना चाह रहा, थिंकिंग इज सेड टू बी अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, कि आपका माइंड डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, सच एज डिड्यूसिंग। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में उसने ले लिया, डिड्यूसिंग। डिड्यूसिंग क्या होता है? राइट नाउ यू आर टेकिंग माई लेक्चर, ऐसा ही है ना, आप घंटे का लेक्चर ले रहे हो। इस घंटे के लेक्चर के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसको दोबारा आके एक्सप्लेन करना है, तो क्या आप एज इट इज मेरे घंटे के जो लेक्चर है उसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर पाओगे? आप मैक्सिमम कितना एक्सप्लेन कर पाओगे? मैक्सिमम 5 मिनट, 10 मिनट, तो बाकी किधर गया? हमारा माइंड जो है ना वो हर चीज का नतीजा निकालता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आप एक किताब पढ़ते हैं तो उस किताब के पढ़ने के बाद कोई पूछता है आपने इस किताब में क्या पढ़ा, तो आप उसमें हार्डली 5 से 10 मिनट बोलेंगे या इस किताब मैंने ये पढ़ा। आपका माइंड क्या कहता है? खुलासा निकालता है। जिस तरह से बेटा अगर मैं बात करूं सेब के जूस की, 2 किलो सेब डालें, किलो सेब डालें, जूस कितना निकलेगा? एक गिलास। ठीक है, हमारा माइंड भी ऐसे है कि वो दुनिया में इतना कुछ सीख रहा है, इतना कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, इतना कुछ सुन रहा है, लेकिन जो आपका जहन जो बिठाता है, जो नतीजा अखज करता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, बिल्कुल खुलासा होता है, बिल्कुल समराइज फॉर्म में होता है। उससे बोलते हैं डिड्यूसिंग। ठीक है, वो निचोड़, जिस तरह से गन्ना जब मशीन में डाला जाता है, ठीक है, तो वो एक ग्लास निकलता है, तो वो जो जूस निकलता है, दैट्स कॉल्ड डिड्यूसिंग। ठीक है जी, अब डिड्यूसिंग होती कैसे है? ये देखिए, एक्सट्रैक्शन, आप उस प्रोसेस से गुजरते हो। जिस तरह से एक गन्ना जब तक उस मशीन में से नहीं गुजरेगा, देखो उस मशीन से जब नहीं गुजरेगा तो उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं होगी। ओके, जब तक वो सेब जो है उस जो है ना वो उस ग्राइंडर में नहीं ऐसे फिरेगा, एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक तुम जूस नहीं। इस तरह से बेटा जब तक आप सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे, जब तक आप इस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होगे, आप एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस जब तक नहीं गुजरोगे, आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सट्रैक्शन होता है प्रॉब्लम, उस भट्टी में से गुजरना। मतलब आपको जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे, आप जब तक उस तकलीफ में नहीं रहोगे, जब तक आप डिसकंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आपका माइंड तभी कुछ नतीजा खस करता है जब उस वो एफर्ट करता है, और एफर्ट करना बड़ा टफ काम है। अब एक घंटे का लेक्चर मेरा अटेंड करना बड़ा टफ काम है आपके लिए, इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन करते बड़ी तकलीफ होती है। ओके, आप जो है ना, आपका दिल कर रहा होगा मैं मूवी देखूं, आपका दिल कर रहा है यार क्या यार एक घंटे का लेक्चर अटेंड करना है, बड़ा टफ है यार। देखिए, अब आपको फिर भी आपको सुनना है, आपने नफ्स को मार के उस चीज को करना है, कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन आसान वर्ड बोलने को तो आसान है, जिंदगी में सबसे टफ है। आपको 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 अपने दिल को चीरना पड़ता है, आपको अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। अब आपको दिल कर रहा होगा यार कि मैं यार बैठा हूं यार लेक्चर सुन रहा हूं, लेक्चर ये इतना डेली में पढ़ता हूं, मेरा दिल कहता है यार दोस्तों घूमा फिरूं, आपको नहीं घूमना फिरना। एक्सट्रैक्शन होता है अपनी जात को मारना, अपनी ख्वाहिशात को मारना, अपने नफ्स को मारना, अपनी ईगो को मारना, तो तब आपकी डिड्यूसिंग होगी। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग, इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाओ।
एक्सट्रैक्शन जब करते हो उसके पीछे एक वजह होती है, एक कॉज होती है। आप लेक्चर सुन रहे हो उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप एमए एक्सट्रैक्शन ही करते हो उस गन्ने को, जब उस मशीन में से गुजारा जाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, उसका जूस निकालना है। कोई काम बगैर मकसद के नहीं है, कोई काम बगैर कॉस्ट के नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है, रीजनिंग है। आप सुन लो उसके पीछे एक रीजनिंग है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब रीजनिंग होता है नॉलेज, उस चीज को समझना, ठीक है, कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। ये रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तो आपको पता हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बन रहे हो, दैट्स कॉल्ड द रीजनिंग। उसके पीछे क्या है जी, इनविजनिंग, ठीक है। अब उसके पीछे इनविजनिंग है कि आपने इनविजन किया हुआ है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है ना। इनविजन होता है कि इमेजिन करना कि यार मैंने ये बनना है तो बनना है। अब आपने जो इनविजन किया कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उससे पीछे का जजिंग, उससे पहले आपने डिसाइड किया कि मैंने करना क्या है, आफ्टर एफएससी मैंने करना क्या है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आप जज करते हो, अपने आप को जज करते हो, सिचुएशन को जज करते हो, स्कोप को जज करते हो, हालात को जज करते हो, ओके। तो उससे प्रीवियस क्या है, ये मैं प्रीवियस रिवर्स गियर लगा रहा हूं, आपकी बुक में रिवर्स गियर लगा हुआ है, ठीक है, उसने एंड से रिवर्स गियर लगाया। जजिंग, उससे पहले आपको प्रॉब्लम होता है। अब आपने एफएससी कर लिया, अब आपको प्रॉब्लम है, आपने कुछ ना कुछ तो करना है, आपने या तो पढ़ाई करनी है या आपने कुछ ना कुछ तो करना है ना, ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आप जज करते हो कि मैंने करना क्या है, आप हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स निकालते हो, प्लस और माइनस निकालते हो, दैट्स कॉल्ड जजिंग। उससे प्रीवियस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उससे प्रीवियस क्या है कि आपका माइंड, आपको पता हो कि यार कि मैं इस काबिल हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं। क्रिएटिव थिंकिंग होता है कि आपका माइंड इतना काबिल तो हो, अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तो आपका आपको अपने माइंड पे यकीन है कि यस आप कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड आपके साथ, एक 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 पागल बंदा है, मैड पर्सन है, ही कैन नेवर थिंक अबाउट डूइंग समथिंग लाइक दिस। अब इसको रिवर्स में लगाता हूं, ओके। सबसे पहले आपका क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव थिंक, सबसे पहले आपका माइंड काम करना चाहिए, इट शुड हैव समथिंग क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है बेटा, क्रिएटिव क्या होता है, टू ब्रिंग समथिंग न्यू। आपका माइंड इस काबिल हो कि वो एवरीडे कुछ नया सीख सके, कुछ नया ऑब्जर्व कर सके, कुछ नया सुन सके, ठीक है। क्रिएटिव होता है कुछ नया एवरीडे। आप जैसे आपने कल लेक्चर लिया था और आज लेक्चर लिया, अगर आप देखो तो आज आपका माइंड ज्यादा क्रिएटिव है, क्यों, क्योंकि कुछ नए ख्याल आपके पास आ रहे हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। सो सबसे पहले आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, उसके बाद फिर आपको जिंदगी में जो भी मसले हैं आपने उसका सलूशन निकालना है। सलूशन किस तरह निकालना है, जजिंग करके। आपने हालात को जज करना है, आपने सिचुएशंस को, आपने पीपल्स को, क्योंकि आपने हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स निकालने हैं। उसके बाद फिर आपने इन्वियन करना है, मैंने करना क्या है, और फिर रीजनिंग कि मैंने क्यों करना है, उसके पीछे वजह क्या है, और फिर उसका नॉलेज हासिल करना, ये रीजनिंग होती है। और जब नॉलेज हासिल कर रहे होगे तो आपको डिफरेंट तकलीफें आएंगी, डिफरेंट परेशानियां आएंगी, कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, कभी आपको हेल्थ के प्रॉब्लम। जिस तरह से आई गिव यू लेक्चर, तो सम टाइम मुझे हेल्थ के प्रॉब्लम आ जाते हैं, बट स्टिल आई गिव द लेक्चर, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, ठीक है। कभी आपके साथ अच्छा होगा, कभी आपके साथ बुरा होगा, लेकिन जो आपने करना है सो करना है। अब सपोज आज अगर मैं अच्छा नहीं फील कर रहा तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने लेक्चर नहीं पढ़ाना, मैं लेक्चर तो कराना ही कराना है। लेकिन जो नाकाम लोगों को बोलेंगे यार, वो नाकाम लोगों को बोलेंगे यार आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा, नहीं यार मैं नहीं पढ़ाता, आज मेरे बुखार है तो मैं नहीं यार मैं नहीं कर। नहीं, आप जिस भी सिचुएशन में हो यू हैव टू, आपने अपनी मैं को मारना है, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपने उनको उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकने, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, एक्सट्रैक्शन में होता है कि आपने अपने मतलब हर हाल में आपने वो करना है जो करना है, दैट्स कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। जब आप वो करेंगे तो फिर आप रिड्यूस करोगे, फिर आप कुछ बनोगे, ठीक है, फिर आप सक्सेसफुल, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी। आगे बेटा, थिंकिंग इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन अवर माइंड एंड अवर सेल्फ। हम जब सोचते हैं तो हम अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अवर माइंड हैज अ स्किल टू असेस फैक्ट्स एंड चूज व्हाट इज ट्रू और फॉल्स। हमारा माइंड इस काबिल होता है कि वो जज कर सकता है हमारे लिए क्या सही और क्या सही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, थिंकिंग इज मोर डिफिकल्ट प्रोसेस देन फीलिंग्स। फीलिंग्स ऑटो आती हैं। आप किसी को सपोज आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आप में फीलिंग्स आ जाती हैं, यार मुझे चीज चाहिए। लेकिन थिंकिंग, अभी आपकी फीलिंग्स कह रही हैं यार कि यार मुझे सोना है, अभी आपकी फीलिंग्स कह रही हैं कि यार मुझे आउटिंग करनी है,
अभी आपकी फीलिंग्स कह रही है यार कि मुझे कुछ खाना है, ठीक है, लेकिन अभी 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 टाइम की रिक्वायरमेंट यह है कि आपने थिंकिंग करनी है, आपने सोचना है, आपने सुनना है, ठीक है जी। जो फीलिंग्स होती हैं वो ऑटो आती हैं, वो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है, लेकिन थिंकिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी आप सुन रहे हो, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, और इस मेहनत के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। आपको अपनी मैं को मारना होता है, अपने नफ्स को मारना होता है, अपनी ईगो को मारना होता है। ये ठीक हो गया जी। सो थिंकिंग इज मोर डिफिकल्ट प्रोसेस देन फीलिंग्स बिकॉज इट रिक्वायर कमांड ओवर इंपल्सिव इमोशंस। फौरन शैतान आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल रहा होता है, यार छड़ यार, रहन दे यार, नहीं होएगा, ठीक है यार, बड़ा टफ है यार, आज का लेक्चर बड़ा बोरिंग है, रहन दे यार, ठीक है। इस चीज को कंट्रोल करना। इंपल्सिव इमोशंस होता है कि हमारा माइंड जो है ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोची जा रहा है, कुछ ना कुछ सोची जा रहा है। आप शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको अपने मकसद से हटा दे, आपको अपने फोकस से हटा दे। और कैसे हटा दे? सबसे पहले आपको मोबाइल पे लगा देगा, ओके, आपको व्हाट्सएप पे लगा देगा, कोई फेसबुक पे लगा देगा, कोई एसएमएस पे लगा देगा, या किसी से बात करने में लगा देगा। सबसे पहले वो ये ट्राई करता है कि आपको अपने मकसद से हटाए, आप जो थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि शैतान को सबसे तकलीफ उस वक्त होती है जब आप थिंकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप जो है ना अपने मकसद को पहचान रहे होते हो, अपनी जात को पहचान रहे होते हो, अपनी मंजिल करीब जा रहे होते हो, और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप मंजिल करीब पहुंचो। तो सबसे पहले जो अटैक करता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी फीलिंग्स को आप पे हावी कर देते हैं, आप फीलिंग्स के अंडर मगलूब हो जाते हो और फीलिंग्स आप पे गालब आ जाती है, ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है, इट रिक्वायर कमांड ओवर इंपल्सिव इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। जो भी आपकी ख्वाहिशें उनको आपने फिलहाल ओके उनको दबा के आपने अपने मकसद को अचीव करना है। सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इनटू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेसेस। जब से इंसान बना है, सब जो वर्किंग रिसर्च हो रही है और अभी तक जो रिसर्च हो रही है और हुई है, वो इंसान सोचता कैसे है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो रही है वो इस पे हो रही है कि इंसान सोचता कैसे है, इसमें ख्यालात कैसे जनरेट होते हैं, इन ख्यालात को कंट्रोल कैसे किया जाता है। आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और आजकल जितनी भी मोस्टली बुक्स लिखी जा रही है, उसी पे लिखी जा रही है कि इंसान की सोचों कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिसने सोचों कंट्रोल कर लिया वो समझो वलीउल्लाह बन गया। उसके लिए दुनिया में कुछ भी अचीव करना नामुमकिन है। मतलब वो हर चीज को इजीली अचीव कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट पर्सन। याद तक ओके हो गया बेटा? जिसने अपने इमोशंस को, जिसने अपनी थिंकिंग कंट्रोल कर लिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट पर्सन। कोई चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं है। सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इनटू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेसेस। हम डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेसेस को पे रिसर्च की जा रही है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। कि जब इंसान अकेले में होता है तो वो कैसे सोचता है और क्यों सोचता है ऐसे, और जब वो लोगों में होता है तो उस तरह से क्यों सोचता है। टू मेजर प्रोसेसेस आर डिस्कस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, दैट इज अ क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंशाल्लाह हम ये दो जो प्रोसेसेस हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। बट आई होप यू अंडरस्टूड द थिंकिंग प्रोसेस। इंसानी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी थिंकिंग है। ये थिंकिंग है जो इंसान को यहां से यहां पे ले जाती है, और ये थिंकिंग है जो इंसान को यहां से यहां पे ले जाती है। आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपने किसकी बेस पे बनना है? सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग की बेस पे बनना है। आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं करनी, आपने कोई मेहनत मजदूरी तो नहीं करनी, लेकिन आपने पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, नॉलेज हासिल कर करके अपने थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना है। सो इंसान की जो वैल्यू है, याद रखना, एक लेबर की, एक मजदूर की, देखिए एक मजदूर की और एक जो है वो, सपोज हमारे यहां एक गार्ड है, एक गार्ड के और टीचर में डिफरेंस क्या है? कोई फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं, उसकी भी दो आंखें हैं, एक टीचर की भी दो आंखें, ठीक है, प्रिंसिपल की भी वही, फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है। इस दुनिया में फिजिकली हर इंसान सेम है, सारे कंपोनेंट सेम है, सारी अल्लाह पाक ने जितनी भी मैकेनिज्म बनाया सारा सेम है, ठीक है। जो डिफरेंस आता है, जो इस दुनिया में डिफरेंट, जो वैल्यू की जाता है इंसान को, वो उसकी थिंकिंग बेस पे की जाता है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसकी बेस पे बना? वो अपने थिंकिंग प्रोसेस की बेस पे बना। उसने जो MBBS किया उसमें थिंकिंग को उसने ग्रो अप किया। अगर आप जिंदगी में कुछ किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हो तो थिंकिंग पे काम करो। द मोर यू वर्क अपॉन थिंकिंग,
The more you become valuable, the more you become valuable, not only in this world, but also in the hereafter. Allah Pak ko sab se cheez pasand hai, wo aapka thinking process, aap sochte hain. Aap maal ka darabadar niyaton par hai. Aap jaisa sochenge, Allah Pak khud kehte hain ki jaisa mere bare mein gumaan karoge, main waisa hi. To jo insaan ki jo sabse important cheez hai, yaad rakhna, insaan ki jo sabse important cheez hai, isse upar koi important cheez nahi. देखिए इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका सोचना है, वो सोचता किस तरह से, वो इनकोड किस तरह से करता है, ख्यालात किस तरह से जनरेट करता है. ठीक हो गया बेटा, तो आज हमने ये डिस्कस किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रखेंगे. अब लेट मी रिपीट अ लिटिल बिट. क्या हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा बेटा नीड फॉर कि हमें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करने की जरूरत क्यों है. ठीक है, क्योंकि हमें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्यों सीखनी है. अब आपको पता है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं, वो ग्लोबल बिजनेसेस होते हैं. ओके, और आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, ग्लोबल बिजनेस करने के लिए आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होना चाहिए. आपको डिफरेंट कल्चर का जितना पता होगा, आप इतने ही सक्सेसफुली उस मार्केट में या उस कल्चर में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. और ये सेकंड ये भी है बेटा कि आजकल जो दुनिया जो इमिग्रेट कर रही है डिफरेंट लोकेशंस पे जा, अब आपको पता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में स्प्रेड है, वो रिस्क के लिए, ओके, वो कारोबार के लिए या नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में हम लोग जाते हैं. ओके, पाकिस्तानी नेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड है. अब जब वो डिफरेंट कल्चर में जाएंगे तो उनको डिफरेंट कल्चर के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा. अब अगर एक पाकिस्तानी जो है ना वो सिंगापुर में गया है, वहां पे जॉब कर रहा है, तो वो सिंगापुर के हिसाब से उसको बिहेव करना पड़ेगा, वहां पाकिस्तान के हिसाब से बिहेव नहीं कर सकते. इस तरह अगर चाइनीज या पाकिस्तान में आते हैं तो दे आर सपोज टू बिहेव लाइक अ पाकिस्तानी एनवायरमेंट. ठीक है, उनको यहाँ पे जिस तरह से वो चाइना में चीजें खाते थे, इस समय पाकिस्तान में वो चीजें नहीं खा सकते, यहाँ को वही चीजें खानी पड़ेंगी जो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है. तो ये कहना चाह रहा है कि आपको डिफरेंट कल्चर का सीखना बड़ा लाजमी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होता है तो फिर आप उस हिसाब से अपने बिजनेस की जो मार्केटिंग होती है वो उस हिसाब से आप उनके कल्चर के हिसाब से कर सकते हैं. आप अपने प्रोडक्ट को उनके कल्चर के साथ जितना मैच करेंगे, आपकी प्रोडक्ट इतनी सक्सेसफुल होने वाली है. ठीक है जी, जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट जब भी सेल करती, जब भी मार्केटिंग करती हैं, तो वो कल्चर में जो चीज़ ट्रेंड में होती है उसके साथ वो चीज़ अटैच कर देते हैं. द परफेक्ट एग्जांपल इज द पेप्सी. पेप्सी का अगर आप पिछले 10 साल की 20 साल की एडवर्टाइजमेंट देखो, तो जिस टाइम पे जिस चीज़ का ट्रेंड था उसके साथ उन्होंने पेप्सी को अटैच कर दिया. अब जिस तरह से अभी शादी ब्याह पे जो हमारे फंक्शंस होते हैं, ओके, आज से 10-20 साल पहले कहाँ पे सारी ड्रिंक्स होती थी, लेकिन अब ट्रेंड है कि जहाँ पे पार्टी होगी, जहाँ पे भी कोई इस तरह का फंक्शन होगा, वहाँ पे देर मस्ट बी अ ड्रिंक. तो उन्होंने क्या किया, आपकी अपनी प्रोडक्ट को आपके कल्चर के साथ अटैच कर दिया. तो हम समझते हैं ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हालांकि हमारे कल्चर का बिल्कुल भी ये हिस्सा नहीं है. तो हमने पहले ये पढ़ा, उसके बाद जो हमने जो मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा वो स्टीरियोटाइप पढ़ा. आपको मैंने बताया स्टीरियोटाइप क्या होता है, कि एक जनरलाइज आइडिया होता है, ओके, दूसरों की ओपिनियन होती है या सुनी सुनाई बातें होती हैं या बचपन से आपको कुछ सिखा दिया जाता है, ओके, जो चीज़ें आपके शऊर के मुताबिक नहीं होती या आपने खुद उनका शऊर नहीं किया होता, आपने खुद उसमें रिसर्च नहीं की होती, आपने खुद उसके बारे में नॉलेज गेन नहीं किया होता, और आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मान लेते हो, दूसरों के नॉलेज को अपना नॉलेज मान लेते हो, ये इंसान की अपनी ज़ात की नफ़ी है कि वो अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरों को अपने ऊपर मगलूब गालब कर देता है. ऐसा कभी नहीं करना. जो भी चीज़ आप सीखो, जो भी आप सुनो, उस पर खुद रिसर्च करो, खुद गो थ्रू करो, और आपका माइंड जो बोले, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस जो बोले, फिर उसको एक्सेप्ट करो. दिस इज द रियलिटी. स्टीरियोटाइप अगर ज़्यादा आप लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप जिंदगी में इतने सक्सेसफुल नहीं होगे. जितने भी कामयाब लोग हैं वो स्टीरियोटाइप से निकल जाते हैं, और वो स्टीरियोटाइप से निकल के खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, खुद वो उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, जो सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूँ. और अनसक्सेसफुल लोग या एवरेज लोग मोस्टली स्टीरियोटाइप जो है ना वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, दिस आई हैव गॉन थ्रू. उसके बाद बड़ी डिटेल में मैंने थिंकिंग प्रोसेस की आपकी बेस बनाई है, और इंशाल्लाह इस थिंकिंग प्रोसेस के जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं
क्रिटिकल लर्निंग या क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेज क्रिएटिव थिंकिंग इंशाल्लाह वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.